के साथ जो हुआ और पूरी तरीके से हमारे जस्टिस के प्रक्रिया को, पुलिस के प्रक्रिया को सीधी तरीके से सवाल उठाता है। सबसे पहले तो उस पीड़िता का कोई जांच नहीं हुआ, रेप हुआ कि नहीं हुआ, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। पुलिस यहाँ तक कि बयान दी कि कोई रेप नहीं हुआ। वो जब उसकी डेथ हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, उसके बाद बॉडी को रातों रात जला दिया गया। और ये पूरे कानून व्यवस्था में सवाल उठाता है। पीड़िता के साथ बहुत गलत हुआ। एक महिला जब आके कंप्लेन करती है रेप के खिलाफ, हमें पता है कि न्याय व्यवस्था में लिखा है कि जांच होना चाहिए, अगर डेथ हो जाता है तो ऑटोप्सी होना चाहिए। पूरे जस्टिस के प्रक्रिया तहस नहस हो चुके हैं सरकार के अंदर, उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। जिस हिसाब से पीड़िता के परिवार से किसी को मिलना नहीं, देखिए ये कि पूरा बचाने की कोशिश हो रही है जो रेपिस्ट है उनको, बलात्कारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और ये हम लोगों ने देखा है कि मोदी योगी के सरकार में पिछले 6 साल से लगातार हो रहा है। हम कठुआ की बात करें, हम उन्नाव की बात करें, लगातार रेपिस को बचाने की कोशिश हो रही है। और अब ये इस समाज में रेपिस को संरक्षण दे रही है ये सरकार। और यही कारण है कि बिना परिवार को बॉडी दिखाए बॉडी को जला दिया गया। देखिए जो पिछले दौरान जिस तरीके का जिस तरीके से जजमेंट्स आया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं रह गया। इसीलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कटघरे में लिया है, लेकिन जस्टिस की उम्मीद हम नहीं कर सकते इस सरकार से, इस जुडिशियल सिस्टम से। लगातार इस सरकार के पक्ष में जजमेंट एक के बाद एक आया है। अगर सही में कुछ करना है तो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए और वहीं से न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है।